بسم الله الرحمن الرحيم. ठीक है बच्चों, आज हम दर्जा 4 का यानी क्लास 4 का हम लोग पढ़ेंगे क्या, तकसीम यानी डिवीजन. ठीक है, तो देखिए बच्चों, डिवीजन के बारे में अगर हम बात करें तो डिवीजन होता क्या है, यानी कि उसको कैसे हम मतलब तकसीम कर सकते हैं. कहने का मतलब है कि कैसे हम बांट सकते हैं. तो मिसाल के तौर पे अगर आप देखिए कि अगर हमारे पास 20 रुपया है और अगर हम 4 लोग हैं तो एक एक आदमी को क्या करना पड़ेगा, तो एक आदमी को कितना पैसा देना पड़ेगा. 20 रुपया में अगर 4 लोग हैं तो 4 से हम क्या करेंगे, 4 से हम 4 से 20 को क्या करेंगे, तकसीम करेंगे. यानी कि एक आदमी को पे कितना पड़ेगा, 5 रुपया पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो गया मेरा तकसीम. देखो बच्चों, तकसीम में बहुत ज़्यादा बुनियादी चीज़ ये है कि उस जैसे उस एक जो पैसा है, यानी कि जो पैसा है कितने लोगों में बट रहा. ठीक है ना, जितने लोगों में बटेगा उसका वो पार्ट हो जाएगा, यानी वो उसका नंबर हो जाएगा, यानी उसका वो जो मतलब जो अदद है वो उसके लिए ही है. जैसे हमने बताया कि अगर 20 रुपया है किसी के पास, जैसे हम किसी गार्जियन के पास अगर मान लेते हैं कि एक घर में 5 भाई है या 5 बच्चे हैं. ठीक है, और अगर अम्मी से आप पैसे लेने जाते हो तो सब 20 रुपया अगर बांटेंगी तो कितना देंगी, तो 5-5 रुपया एक आदमी को पड़ेगा, है ना, सॉरी 4-4 रुपया एक आदमी को पड़ेगा, क्योंकि 5 बच्चे हैं. यानी कि 20 को कितना में भाग किया गया, कितना में तकसीम किया गया, 5 पार्ट में. आइए बच्चों, हम लोग यहाँ देखते हैं. ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, तकसीम करने की कोशिश करते हैं. तो 7 × 2 = 14, ये हो गया 7 × 1 = 7. देखिए इसमें एक और बुनियादी चीज़ ये है कि जब भी हम तकसीम करते हैं तो जब हम पहाड़ा लेंगे तो उस ये जो नंबर है उसके तुरंत आसपास होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए. मिसाल के तौर पे कि 7 को हमने पहाड़ा पढ़ा तो कितना हुआ, 7 × 2 = 14, तो ये बराबर था. अगर वही हम देखें कि ये ठीक है, तो 4 को अगर हम 4 × 12 करेंगे, यानी कि 4 को 4 × 12 करेंगे, तो ये जो नंबर है इस नंबर से कम है. तो क्या करेंगे हम लोग, उसके नज़दीक जाएंगे. किसके नज़दीक, उस नंबर के नज़दीक जाएंगे, तो क्या होगा, 4 × 2 = 8 होगा. ठीक है, यहाँ कितना घटाव कर देंगे, ये हो गया. फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार, कि 32 आ जाए, 8 × 6 = 32. ठीक है, ये हो गया. आपको कहने का मतलब है कि ऐसी चीज जो कि हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम किसी नंबर को तकसीम करते हैं, यानी किसी अदद को तकसीम करते हैं, तो करते क्या है कि उस नंबर के पास हमेशा मतलब या तो उसके बराबर होना चाहिए या तो उसके नज़दीक होना चाहिए. ठीक है, आइए यहाँ हम देखते हैं 66 को ये. ठीक है, तो 11 × 6 = 66 हो जाएगा. ठीक है, ये कट जाता है कहीं कहीं, इसको जीरो भी लोग लिखते हैं, यहाँ पे कहीं कहीं गुना का भी साइन होता है, लेकिन यहाँ जीरो भी लिखता है. अब आइए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि जोड़ देंगे. तो देखिए आपको पता है कि पहले बोर्ड मास के हिसाब से क्या किया जाता है, डिवाइड का काम किया जाता है, है ना. तो क्या किया जाएगा, इसको इस ले लिया जाएगा. ठीक है, तो इस ये कटेगा, कटेगा ना, 6 × 6 तो कितना हो जाएगा, 360 + 1, ये हो जाएगा 360. ठीक है बच्चों, तो ये क्या है कि ये जो नंबर है ये क्या किया, तकसीम किया गया है, यानी कि 6 को 6 से डिवाइड किया गया है. अब आइए हम इसमें देखते हैं कि इसको हम लोग ये वाला जो है ये और ये, इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, और यहाँ जो नंबर होता है इसको क्या करते हैं, और इस पार्ट को क्या करते हैं, इस पार्ट को हम लोग बाकी कहेंगे. ठीक है, और जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम ले लेते हैं 3 × 12, ठीक है, तो इसमें बाकी कितना हो जाएगा, बाकी हो जाएगा 2. ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा मतलब हासिल तकसीम. कहने का मतलब हासिल तकसीम, यानी ये हो जाएगा आपको 4. ठीक है, और गुना ये हो जाएगा तकसीम कनद, यानी कि कहने का मतलब है कि 3. ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे कहाँ गया, ये तकसीम में को तकसीम कनद कहते हैं, यानी डिवाइजर. तो आप देखिए कि अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं कितना होगा, 3 × 12 + 2 = 14, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं. ठीक है,
तो अब डिविडेंड निकालने का मतलब मकसूम होता है, ठीक है। तो कभी भी जो भी जो नंबर होंगे बच्चों, तो हमेशा क्या होते हैं, इस तरह से हम लिखते हैं डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यानी कि बाकी हो गया हासिल तकसीम और तकसीम कनक, और ये हो जाएगा क्या, मकसूम, ठीक है। तो बच्चों ये जो है बुनियादी चीज है, अगर पूछा जाएगा कि ये मतलब आप बताइए कि ये जो हिसाब है सही है या गलत है, तो आप कैसे पहचानेंगे, तो देखिए हम यहाँ देखते हैं कि कैसे होता है। तो ये आपको अभी हम देखते हैं, जैसे ये वाला मिसाल यहाँ पे ले रहे हैं, 4 × 28 प्लस कितना, तो गुना कीजिए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 × 32, ठीक है, और 4 × 8 = 11, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, ये यानी कि ये जो यहाँ पे कोई जीरो नहीं आएगा, ठीक है, बाकी कोई जीरो नहीं आएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि 7 × 21 + 0, बाकी तो कुछ है नहीं, तो कितना हो जाएगा 100, इसको गुना करिए कितना हो जाएगा 147, ठीक है। तो बच्चों ये जरूरी चीज था, आपको बुनियादी चीज था, इसको आपको जानना ही चाहिए, इसको जानिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना, बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे इस तरीके से, ठीक है, इसको आप कोशिश कीजिए बनाइए, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। इसको एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा तो आपको ज्यादा आसानी होगी इसको समझने में, क्योंकि ये जो है तकसीम की बुनियादी चीज है, मतलब हमेशा पूछ सकता है, और सवाल जो आएंगे इसी तरीके से आएंगे, इसलिए बच्चों इसको आपको जानना ही चाहिए। तो आप इसको, हम कोशिश करते हैं, हमको मतलब जहां तक हमको उम्मीद है कि आप इस चीज को याद रखिएगा और अपनी जिंदगी में शामिल कीजिएगा, बहुत आसानी से आपको मैथ समझ में आएगी। अगर कोई और भी आपको परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है ना।